नमस्कार, आइए आइए। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो हर रोल में फिट हो जाते हैं। उनमें से एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो वर्सटाइल है, मतलब इतने कि ड्रामा, कॉमेडी, विलन, कोई सा भी उनको रोल दे दो वो उसके अंदर घुस जाते हैं। उनकी अगली फिल्म आ रही है मोतीचूर चकनाचूर, और इस फिल्म से ये बात और कन्फर्म हो जाएगी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट अथिया शेट्टी हैं। इस फिल्म का ट्रेलर आ गया है जो एकदम मजेदार है। मतलब ट्रेलर का जो हाई फाइव है उसे लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि कहानी क्या लग रही है ट्रेलर से। फिल्म में नवाज के कैरेक्टर का नाम है पुष्पिंदर त्यागी, जो 36 साल का है, बहुत परेशान है क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है। वो किसी भी हाल में अपना घर बसाना चाहता है, लेकिन कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। मतलब हर बार रिजेक्ट हो जाता है। कहता है कि 36 साल के हैं जी, कब तक ब्रह्मचारी बनकर बैठे रहेंगे, नाटी काली पतली टकली किसी से भी हम कर लेंगे, हमको मोड़ी यानी लड़की चाहिए बस। फिल्म में लीड एक्ट्रेस है अथिया यानी अनीता। इनकी भी यही प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत है कि शादी करनी है, लड़का कैसा भी हो, बस एक शर्त है कि शादी उसी लड़के से करेगी जो विदेश में सेटल होगा, मतलब NRI टाइप का। ठीक है, अनीता कहती है कि हमाऊ ब्याह होके रहेगा, अमेरिका, पेरिस और लंदन नहीं गई तो क्या नेपाल, श्रीलंका, भूटान तो मिलेगा। खैर, अनीता और उसकी मौसी को लगता है कि पुष्पिंदर दुबई में नौकरी करता है। अनीता मन ही मन दुबई जाने के सपने सजा लेती है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन इसके बाद पता चलता है असली ट्विस्ट कि भाई अनीता को ये पता चलता है कि पुष्पिंदर दुबई की नौकरी से निकाले जा चुके हैं। अब क्या होता है ये हम फिल्म में देखेंगे। दूसरी बात, ट्रेलर की खास बातें। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है, मतलब फुल सीरियस सिचुएशन होती है और आपको उसकी बात सुन के हंसी आ जाती है, मतलब हंसी निकल जाती है, अब क्या करें, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर के साथ यही है। वो जब अपना दुख बताने लगते हैं ना, वो एक कॉमेडी सीन बन जाता है और हंसी निकल आती है आप बिल्कुल। और इसी बात ने बहुत ही मजा क्रिएट करा है ट्रेलर में। चाहे वो लड़की नहीं मिलने का दुख बता रहे हो, अथिया से प्यार करने का इजहार कर रहे हो, या फिर पहले आपके चक्कर में जब लड़की बातों के बजाय खाना शुरू कर देती है वो हो। दूसरी खास बात है डायलॉग्स और डायलॉग्स डिलीवरी, दोनों भरपूर मजेदार हैं। खासकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अथिया और विभा छिब्बर, करुणा पांडे भी जी, इनका जो स्टाइल है एकदम मस्त लगेगा आपको। तीसरी बात, ट्रेलर में एक सरप्राइज पैकेज है, वो है अथिया के एक्सप्रेशन और एक्टिंग। लग रहा है कि ये फिल्म अथिया के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वैसे हीरो और मुबारका के बाद ये उनकी तीसरी फिल्म है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है कौन कौन इसमें काम कर रहा है। लीड हीरो हीरोइन हम आपको बता चुके हैं, नवाज और अथिया। विभा छिब्बर पुष्पिंदर त्यागी की माँ के रोल में है, जो खुद ही अपने बेटे की नौकरी को लेकर कन्फ्यूज्ड है। फिर नवनी परिहार अनीता यानी अन्नी की मम्मी है, जो बेटी की शर्त से बेहद परेशान है और उसको कुछ ना कुछ सजेस्ट करती रहती हैं। फिर अगला नाम है करुणा पांडे, बनी है ये अनीता की मौसी, जो एकदम कूल है और शादी वाले मैटर में अनीता को, मतलब उनका मार्गदर्शन करती हैं और बहुत ही कूल तरीके से करती हैं। अगला पॉइंट है किसने बनाई है। मोतीचूर चकनाचूर को देव मित्र बिस्वाल ने डायरेक्ट किया है। बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म है और वो फिल्म की स्टोरी राइटर भी हैं। वायकॉम 18 स्टूडियोज और वुडपेकर मूवीज प्रोडक्शन हाउस ने से बनाया है। अगला पॉइंट है मेकर्स और राइटर में झगड़ा। मोतीचूर चकनाचूर 15 नवंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही इसके मेकर्स आपस में भिड़ गए और नतीजा ये हुआ कि फिल्म के ट्रेलर पर मुंबई हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसके पीछे का जो मामला है वो ये है कि डायरेक्टर देवमित्र बिस्वाल ने अपने ड्यूज क्लियर नहीं होने के कारण इस मामले को कोर्ट में वो लेकर गई, याचिका दायर की। देवमित्र की जो वकील हैं ध्रुति कपाड़िया, उन्होंने ये बताया कि वो 5 साल से स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। जब उन्होंने इसे प्रोड्यूसर्स को दिखाया तो कहानी पसंद आ गई। प्रोड्यूसर्स और देव के बीच 3 फिल्में बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इनमें से मोतीचूर चकनाचूर पहली फिल्म है। पहली फिल्म के लिए देव मित्र को 11 लाख रुपए मिलने थे, जबकि उन्हें इसके बदले सिर्फ 6 लाख रुपए दिए गए। उनके पास एक मेल आया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की बात लिखी थी। जब उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वो कोर्ट पहुंची थी। रिलीज होने के 3 दिन बाद ये ट्रेलर वैसे जो है वो 10 मिलियन करीब पहुंच चुका है। इसे चुलबुल पांडे यानी सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और लिखा है, ट्रेलर काफी कमाल है, भाई ने कहा आपको शुभकामनाएं देने को, ऑल द बेस्ट। सलमान खान दबंग 3 के प्रमोशन मोड में है, इसलिए उन्होंने आजकल अपने ट्विटर हैंडल का नाम चुलबुल पांडे रखा हुआ है और वो उन्हीं की तरह से बात करते हैं, इसलिए उन्होंने ट्वीट में ऐसा लिखा है। बाकी
इस ट्वीट को जैसे ही उनके फैंस ने देखा उनको मजा आया, वो खूब रिएक्ट करने लगे हैं और ट्रेलर भी मजेदार है। आप जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया, हमें बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए द लल्लन टॉप। ये हाई फाइव यहीं तक, हाई करने आएंगे आपको कुछ देर बाद। शुक्रिया।